बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलीम बोधला बात कर रहा हूँ, बोधला ब्रदर्स डीएचए फेज थ्री वाई ब्लॉक डिफेंस कमर्शियल प्लाजा से। और हम लोग आपको एलडीसीटी लाहौर और डीएचएस के डेली बेसिस पर रेट्स की अपडेट देते हैं, जो फाइल्स के क्लोजिंग या ओपनिंग रेट्स होते हैं। अगर बात की जाए एलडीसीटी की, तो एलडीसीटी में प्राइजेज जो हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल हैं और जेन्युइन जो है वो बाइंग हो रही है। इक्का दुक्का फाइल्स में ऐसे होता है कि जैसे भाई पांच मतलब में आज एक से दो फाइल्स ऐसी थी जो अर्जेंटली बिक रही थी, लूज़ फाइल बिक रही थी, तो उनकी वजह से प्राइस में थोड़ा सा डिप था। तो लेकिन ओवरऑल जो है कि 17 लाख के लगभग इसके प्लस माइनस में बाइंग सेलिंग हो रही है। और 10 मरला की अगर बात की जाए तो वो कोई कह लें कि 25 लाख, 25 लाख के लगभग बाइंग हो रही है प्लस माइनस में। एक कनाल की 38 लाख और 38.5 लाख के ब्रैकेट में बाइंग सेलिंग हो रही है। उसके अलावा अगर बात करें डीएचए भावलपुर की, तो उसमें एफिडेविट जो है कुछ 26 लाख के प्लस माइनस में है कनाल का। और बात की जाए मुल्तान की, तो एक कनाल का रेट जो है 45 लाख 85 हज़ार प्लस माइनस में है। और एक कनाल का जो गुजरांवाला का रेट है वो भी कोई 45 लाख 85 हज़ार प्लस माइनस में है। 10 मरला जो डीएचए मुल्तान का है वो कुछ 37 लाख 50 हज़ार 60 हज़ार। और जो डीएचए गुजरांवाला का 10 मरला है वो 31 लाख 50 हज़ार प्लस माइनस में है। इस तरह से लाहौर की बात करेंगे, डीएचए रैबर में जो हल्लो की और साधु की फाइलें हैं वो उसी तरह से 28 और 29 लाख की रिस्पेक्टिवली। और डीएचए फेज़ 10 की अगर फाइल की बात की जाए तो वो भी उसी तरह से ही 46 लाख प्लस माइनस में है। डीएचए सिटी के जो है 5 मरला को 13 लाख, 10 मरला जो है आपको 22 लाख, और जो कनाल है को 30-32 लाख की ब्रैकेट में के प्लस माइनस में बाइंग सेलिंग हो रही है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।